नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत और एशिया का पहला रेलवे वर्कशॉप जमालपुर की हिस्ट्री और उसके ऐतिहासिक पलों को जानेंगे जो आज अपने दिनों को काट रहा है। दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है 1854 से, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जब 1853 में भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, तब अंग्रेजों ने रेलवे का विस्तारीकरण करना चाहा। और ठीक एक साल के बाद यानी कि 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडियन रेलवेज ने ईस्टर्न एरिया में रेलवे की नींव डाली, जिसमें हावड़ा से नई दिल्ली तक रेलवे ट्रैक्स बनाने की योजना बनाई गई। दोस्तों, 1861 तक सारे ट्रैक्स बनकर तैयार हो गए थे। अंग्रेजों ने हावड़ा में लोकोमोटिव के मेंटेनेंस के लिए एक वर्कशॉप बनाई थी, जिसमें सिर्फ अंग्रेज कर्मचारी काम करते थे। दोस्तों, इसे इत्तिफाक कहिए या कर्मचारियों की काम चोरी, वर्कशॉप हावड़ा सिटी में होने के कारण रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अक्सर होटलों और रेस्टोरेंट में पाए जाते थे, जिसमें वहां काम बिल्कुल नहीं होता था। तब अंग्रेज के बड़े अधिकारियों ने इसे बिहार के मुंगेर जिले में स्थित जमालपुर में स्थानांतरित करने की सोची, ताकि वहां दूर दूर तक इस तरह की ऐशो आराम वाली सुविधा कर्मचारियों को न मिल पाए, ताकि उनका ध्यान सिर्फ काम पर रहे। इसके साथ रेलवे का विस्तारीकरण तेजी से हो रहा था, इसीलिए वर्कशॉप का भी विस्तारीकरण जरूरी था। लेकिन हावड़ा जैसे सिटी में जगह नहीं होने के कारण इसे जमालपुर में लाने की बात कही गई, और इस तरह से 8 फरवरी सन 1862 ईस्वी को जमालपुर में लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना की गई। यह लोकोमोटिव वर्कशॉप एशिया का पहला और सबसे बड़ा वर्कशॉप है, जो कि 50 एकड़ एरिया में फैला हुआ था। दोस्तों, शुरुआत में इस वर्कशॉप में सिर्फ लोकोमोटिव का मरम्मत हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ के कुशल इंजीनियरों के द्वारा 1893 ईस्वी से यहाँ स्टीम लोकोमोटिव का निर्माण किया जाने लगा। साथ ही साथ खुद की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत के लिए यहाँ कैप्टिव पावर प्लांट भी जमालपुर वर्कशॉप के द्वारा स्थापित किया गया। इस तरह से कई सारे अचीवमेंट जमालपुर वर्कशॉप के नाम दर्ज हैं, जैसे कि यह एशिया का पहला स्टीम लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर वर्कशॉप है। भारत का यह पहला रोलिंग मिल प्लांट जमालपुर वर्कशॉप में स्थापित किया गया, जहां ट्रैक्स को बनाने के लिए फीस प्लेट, एंगल और बाकी लोकोमोटिव में लगने वाले लोहे के सामान का भी उत्पादन किया जाता था। जमालपुर वर्कशॉप भारत का पहला रेल क्रेन मैन्युफैक्चरर है। भारत का पहला हाई कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग जैक जमालपुर वर्कशॉप में बनाया गया था। भारत का पहला वर्कशॉप जमालपुर है, जहां खुद का इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्थापित किया गया था। रेलवे में यूज होने वाले पॉइंट, क्रॉसिंग और सिग्नल इक्विपमेंट पहली बार जमालपुर वर्कशॉप के द्वारा ही बनाया गया था। रेलवे का पहला 140 टन का डीजल ब्रेक डाउन क्रेन जमालपुर वर्कशॉप में बनाया गया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, सन 1888 ईस्वी में रेलवे का 6वां ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि IRIMEE की स्थापना यहीं पर की गई थी, जहां कर्मचारियों को नई नई चीजें डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, इसी के बदौलत अभी हाल ही में जमालपुर वर्कशॉप ने देश का पहला सबसे सस्ता वेंटिलेटर मशीन बनाया, जिसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए थी। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी अभी वर्तमान में यहाँ पर सिर्फ डीजल लोकोमोटिव का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, बॉक्सन का रिपेयरिंग और टावर कार जैक का मैन्युफैक्चरिंग का काम ही किया जाता है। कहने का मतलब कि जिस तरह से मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, ICF चेन्नई, CLW, DLW में मॉडर्न कोच और लोकोमोटिव बनाए जा रहे हैं, उस तरह से जमालपुर वर्कशॉप की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रही है। अगर सरकार चाहे तो यहाँ से भी अच्छे लोकोमोटिव और कोच का प्रोडक्शन हो सकता था, लेकिन ऐसा न हो पाने की वजह क्या है, यह तो सरकार ही जाने। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज आई थी, जिसमें कहा गया था कि जमालपुर वर्कशॉप को लखनऊ में शिफ्ट किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? अगर सरकार के हिसाब से लखनऊ में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए तो वहां दूसरी खोल दे, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। दोस्तों, रेलवे के तरफ से ऐसा करने के पीछे एक तर्क दिया गया था कि जमालपुर ऐसी जगह पर स्थित है जहां आने जाने के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं है, यानी कि एयरपोर्ट वगैरह नहीं होने के कारण वहां अच्छे ट्रेनर जाने से कतराते हैं। अगर सरकार चाहे तो यहां एयरपोर्ट की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि बाद में रेल मंत्री जी का ट्वीट आया था, जिसमें कहा गया था कि फिलहाल रेलवे की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप को लखनऊ में शिफ्ट किया जाएगा। बाकी जमालपुर वर्कशॉप रेलवे के नजर से अभी बहुत पीछे है।
इस तरह से आज के वीडियो में आपने जमालपुर वर्कशॉप के इतिहास और उससे जुड़ी इम्पोर्टेंट चीजों को जाना। इस वीडियो के रिक्वेस्ट करी थी प्रेम कुमार जी ने। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।